आइए बात करते हैं बॉलीवुड के उन अभिनेत्रियों के बारे में जो तलाक के बाद काफी खुश हैं। समांथा रुत प्रभु। समांथा ने 2017 को नागा चैतन्य से शादी की थी। दोनों अपने एक फिल्म के दौरान मिले थे, लेकिन शादी के 4 साल बाद ही इनके रिश्ते के बीच काफी दिक्कतें आईं, जिसके कारण समांथा ने 2021 को उनसे तलाक ले लिया था। हालांकि वो पल उनके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी में काफी खुश हैं और अपने करियर पर ध्यान दे पा रही हैं। मलाइका अरोड़ा। मलाइका ने 2017 में अरबाज खान के साथ अपनी सालों पुरानी शादी को तोड़ दिया था। जी हाँ, दोनों के बीच काफी मतभेद जो हो गए थे, जिसकी वजह से दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था। लेकिन मलाइका तलाक के बाद अब अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर के साथ काफी खुश हैं और उनके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रही हैं। करिश्मा कपूर। करिश्मा ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी, लेकिन ये शादी ना चल सकी और दोनों का तलाक हो गया। करिश्मा ने दोबारा घर नहीं बसाया और वो अपने दोनों बच्चों के साथ आज काफी खुश हैं। अदिति राव हैदरी। अदिति ने काफी कम उम्र में सत्यदीप मिश्रा से शादी की थी। दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन 4 साल बाद इनका रिश्ता मतभेदों की वजह से खत्म हो गया। हालांकि उसके बाद से उन्होंने अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दिया और आज काफी सफल अभिनेत्री हैं और अपनी जिंदगी में अकेले ही खुश हैं। दिया मिर्जा। दिया ने 2021 में ही वैभव रेखी से शादी की थी, लेकिन इससे पहले वो साहिल सांघा के साथ रिश्ते में थी। हालांकि 2019 में उनका उनसे तलाक हो गया था और अब वो वैभव के साथ अपनी जिंदगी में काफी खुश हैं। कीर्ति कुल्हाड़ी। कीर्ति का अपने पति साहिल सिंघल के साथ 2019 में तलाक हो गया था, जिसके बाद से वो अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी पा रही हैं। यहाँ तक कि वो तलाक के बाद अपने करियर में और भी ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। चित्रांगदा सिंह। चित्रांगदा की शादी गोल्फर ज्योति रंधावा से हुई थी। कुछ महीनों के बाद ही 2014 में चित्रांगदा और ज्योति का तलाक हो गया था, लेकिन चित्रांगदा ने दुखी ना होकर इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और खुद पर काम किया और आज वो सिंगल काफी खुश हैं। मनीषा कोइराला। मनीषा ने 2010 में नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की थी, जो कि 2 साल भी ना चल सकी और इनका तलाक हो गया। हालांकि उन्होंने खुद को संभाला और अपने करियर पर काम किया और आज हर तरीके से वो अकेले काफी खुश हैं। अमृता सिंह। अमृता और सैफ का रिश्ता ज्यादा नहीं चला, हालांकि वो उनसे अलग होकर अब काफी खुश हैं और अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जी पा रही हैं।